हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। गाइस, आज आप सब को लिए मुझे बहुत दिल से थैंक यू बोलना है, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट कि मैंने अन अकेडमी के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो आप लोग देख सकते हो, ये सब आप लोग की प्यार और सपोर्ट की वजह से है। ऐसे ही मेरी वीडियोस पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अपना सेकेंड ईयर एमबीबीएस का, कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ उसमें। आई मीन सेकेंड ईयर में किस हिसाब से आपको स्टडीज करनी होती है, व्हाट्स द सिलेबस, एकेडमिक्स के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, लव लाइफ के बारे में, लाइक रैगिंग के बारे में, लाइक डिप्रेशन के बारे में, लाइक मोटिवेशन के बारे में, एंड व्हाट इज द प्रोफेशनल कुछ जो एंथुजियाज आते हैं उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी और मतलब आई मीन नॉलेजेबल होने वाली है। आपको सब पता चलेगा कि एमबीबीएस में क्या क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल में जो लाल बटन आपको दिख रहा है नीचे, उसको सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले सेकंड ईयर का आते हैं। एज यू ऑल नो दैट फर्स्ट ईयर की मैंने एक वीडियो डाली अपने एक्सपीरियंस की, उस वीडियो पे आप लोगों का बेहद और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वो अभी भी ट्रेंडिंग में है। वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो गाइस, सबसे पहले तो सेकेंड ईयर इज अ हनीमून ईयर ऑफ एमबीबीएस लाइफ। हनीमून ईयर क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूं। बिकॉज जब सेकेंड ईयर में आप आते हो, फर्स्ट ईयर में तो यार ऐसा होता है कि हम लोग जस्ट नीट क्रैक करके आते हैं, तो फर्स्ट ईयर तो हमारा मतलब एक सीनियर्स के साथ रैपो बनाने में, कॉलेज लाइफ को समझने में, मेडिकल प्रोफेशन को समझने में ही निकल जाता है। पता ही नहीं चलता कब फर्स्ट ईयर में एंटर हुए थे, कब फर्स्ट ईयर खत्म। सेकेंड ईयर में जब हम आते हैं तो उस टाइम हमारे सीनियर्स के साथ रैपो अच्छी बन जाती है, प्रोफेसर्स के साथ अच्छी से रैपो बन जाती है। आई मीन हम मेडिकल प्रोफेशनल लाइफ को समझने लगते हैं और एक एक्सपीरियंस वो हो जाते हैं कि यार या अब हमको समझ आने लगता है सब चीज क्या है क्या नहीं, कुछ नया नया नहीं लगता है। तो जब सेकेंड ईयर में आते हैं, पहली चीज की सेकेंड ईयर की जो ड्यूरेशन होती है वो 1.5 ईयर होती है, यानी कि 1.5 साल। अभी लास्ट ईयर जो आपका करिकुलम आया है उसमें उसको शायद 1 ईयर का कर दिया गया है, बट गाइस हमारे टाइम में वो 1.5 था। लेकिन वो 1.5 ईयर आपको इतना लंबा ड्यूरेशन होता है कि आप उसको हनीमून पीरियड इसलिए बोल सकते हो बिकॉज उसमें आपकी बहुत सारी ट्रिप्स बनती हैं, उसमें आपको पल्स होता है। पल्स क्या होता है, उसमें आप एम्स दिल्ली जाते हो अपने अपने कॉलेजेस से, वहां पे दिल्ली में वो पूरा मतलब 7-8 दिन का एक पूरा फंक्शन होता है, वहां पे आपके डेली प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं, बहुत बहुत मजा आता है वहां पे। आप कुल्लू मनाली शिमला दिल्ली पूरा एक टूर बनता है बैचेस का, तो वो मतलब आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है गाइस। तो वो पल्स मल्स ये सब सेकेंड ईयर में होता है, बहुत एंजॉयमेंट होती है, इसीलिए उसको हम लोग हनीमून ईयर बोलते हैं। तो ये सब होता है और काफी ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है, आई मीन 1.5 साल इट्स यूसम, मतलब बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें आपको पढ़ना भी बेसिकली अब तो 3 ही सब्जेक्ट है, हमारे टाइम 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, लाइक फार्माकोलॉजी, लाइक माइक्रोबायोलॉजी एंड देन पैथोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन। बट अब फॉरेंसिक मेडिसिन शायद उसमें कर दिया है, थर्ड ईयर में कर दिया है, सेकेंड ईयर में सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही रह गए हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो अब हम एक एक करके इन सब पे डिस्कस करते हैं मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले आ जाते हैं गाइस स्टडीज पे। तो स्टडीज की मैं बात करूं तो जैसा मैंने बताया आपको इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। तो इन सब में जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो था फार्माकोलॉजी गाइस, मुझे बहुत पसंद थी। फार्मेक क्यों पसंद थी, क्योंकि अब एज यू ऑल नो दैट जैसा ही आप एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके जो घर परिवार जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपको एक डॉक्टर ही समझने लगते हैं, तो वो आपको बार बार फोन करके पूछेंगे ये हो गया इसकी दवाई बताओ, ये हो गया उसकी दवाई। तो फार्माकोलॉजी में हम वो सारी दवाइयां पढ़ते हैं, इसलिए एक मेरा इंटरेस्ट था कि यार नहीं मुझे हर हर उसकी डिजीज की दवाइयां तो पता होना चाहिए, लिटरली कम से कम मैं बता तो सकूं यार लोगों को कि आप ये दवाई ले लो या वो दवाई ले लो। तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग से ही फार्मेक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत मजा आया। मैंने अपने सेकेंड ईयर में 3-4 जगह से फार्मेक पढ़ी थी, आई मीन मैंने केडीटी पढ़ा, मैंने शानबाग पढ़ा, मैंने मैरो का जो रंजन कुमार पटेल सर हैं उनके सब्सक्रिप्शन से पढ़ा, मैंने एक श्रीवास्तव एस के श्रीवास्तव करके बुक है उससे पढ़ा। तो गाइस मैं इतना मतलब फार्मेक के लिए इतना प्यार था मेरे लिए उमड़ उमड़ के कि मैंने 4-4 जगह से फार्मेक पढ़ा एंड आई लाइक दैट, अभी भी मुझे बहुत पसंद है फार्माकोलॉजी। देन माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, पैथोलॉजी गाइज इट्स आई मीन मेरा मतलब मुझे पैथो में बिल्कुल अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं पैथो, अभी मुझे दोबारा से पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। तो पैथोलॉजी बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत ज्यादा सिलेबस है,
नहीं हो पाता है, सिस्टमिक पैथोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग ऐसा मत करिए, प्लीज स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमने तो मतलब एक साल पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए हमारा लास्ट में बिल्कुल एल लग गए थे, तो वो आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए गाइस। और फिर फॉरेंसिक तो हमने लास्ट में पढ़ा था, बिकॉज फॉरेंसिक इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा ही सब्जेक्ट होता है, इजिली आपको याद भी हो जाता है, कोई डिफिकल्ट होता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अनअकैडमी ने अभी एक बहुत अच्छा ही अपने जो न्यू बैचेस लॉन्च किए हैं उनमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक रिवीजन इंटेंसिव बैच लॉन्च किया है, फ्री लाइफ डेमो क्लासेस लॉन्च की हैं, आपको ग्रैंड टेस्ट फ्री में देने को मिल जाएंगे। तो अगर आप नीट पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं अनअकैडमी को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट का सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके ले सकते हो और अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन को एक बूस्टअप दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस एकेडमिक्स के बाद, अब हम आ जाते हैं रैगिंग पे। तो गाइस सेकंड ईयर में तो मतलब क्या रैगिंग, कुछ नहीं, रैगिंग का जो पार्ट था वो फर्स्ट ईयर में ही फिनिश हो जाता है, सेकंड ईयर में तो आप खुद सीनियर बन जाते हो, अब आपका टाइम आता है कि आप अपने जूनियर्स की रैगिंग लो। रैगिंग मतलब क्या है वो पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो आप जाके देखिए रैगिंग को रैगिंग नहीं क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब वहां जाके देखिए कुछ इतना रैगिंग होता नहीं है, बस ये होता है कि आपकी एंजॉयबल ईयर होता है, तो अब आपको रैगिंग से कोई वो है नहीं, आप आराम से फर्स्ट ईयर वालों की खुद रैगिंग लोगे। इट्स अबाउट रैगिंग। कमिंग टू द लव लाइफ गाइज, लव लाइफ के बारे में आते हैं, तो सेकंड ईयर में गाइज जो फर्स्ट ईयर में बॉन्ड्स बनना शुरू होते हैं वो सेकंड ईयर में आके बॉन्ड्स कंप्लीट बनते हैं। जब बॉन्ड्स कंप्लीट बन जाते हैं वो कितनी देर तक वो बॉन्ड टिकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन बोथ द कैंडिडेट्स, की वो लव बर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है भाई आप कितना लंबा इस रिलेशनशिप को चला रहे हो, बिकॉज मेडिकल कॉलेज में ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबे चलते नहीं, आई मीन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होती है। तो लव लाइफ का तो ऐसा ही है, दोनों इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना क्या है क्या नहीं है। कमिंग टू योर डिप्रेशन गाइस, तो डिप्रेशन की अगर मैं आपको बात करूं तो गाइस सिलेबस इतना बढ़ जाता है और आपके साल भर एग्जाम्स चलते हैं, तो या आपके एमबीबीएस लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहां आप सिलेबस को लेके तैयारी नहीं होती है, एग्जाम को लेके थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हो, बट अगेन दैट आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों के साथ कनेक्ट ज्यादा होना चाहिए, तो अपना जो भी आप डिप्रेस अगर हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहा है, तो लोगों से शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, सीनियर से शेयर करो, और उन सब चीजों को भी हम दूर कर सकते हैं। कमिंग टू योर हॉस्टल लाइफ एंड फ्रेंडशिप गोल्स गाइज, तो एज यू ऑल नो दैट कि हॉस्टल लाइफ तो बेस्ट होती है, यानी कि फ्रेंडशिप गोल्स आपकी बहुत सारी ट्रिप्स बनेंगी, आप लोग बहुत सारी जगह घूमने जाओगे सेकेंड ईयर में, आप लोग मतलब नाइट आउट बहुत होते हैं सेकेंड ईयर में, चलो रात को 2 बजे भी हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, मन करा चलो यार चाय पी के आते हैं, कुछ खा के आते हैं, तो जैसे कि अभी इंदौर में है तो यहाँ सराफा है वो नाइट में खुलता है 2 बजे तक, तो हम लोग जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते थे 12-1 बजे, हमारा मूड हुआ यार चलो कुछ खाना है, तो हम 12 बजे ही लाइब्रेरी से सीधे सराफा चले जाते थे, वहां खा पी के 2 बजे तक आराम से वापस आते थे। तो ये इट्स ऑल मतलब ये सारे मजे हम सेकंड ईयर में इजीली कर पाते हैं, बिकॉज हमारे लिए आगे का इतना नहीं सोचते, हम बर्डन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप प्री फाइनल ईयर में आ जाओगे तो फिर आप पीजी के बारे में सोचने लगोगे, आपकी पीजी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, ये सब चीजें कर दोगे, तो फिर आप इतनी मस्ती और खुल के वो नहीं कर पाओगे, इसीलिए बोलते हैं कि सेकंड ईयर इज अ हनीमून ईयर गाइज, तो जितना एंजॉय कर सकते हो सेकंड ईयर में कर लेना गाइस। हमने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया, आई मीन पढ़ाई को तो बिल्कुल लास्ट में लेके आए, साल भर बस मतलब बकचोदी ही मारी है और मतलब बस ऐश ही ऐश किया है, तो वो सिर्फ सेकंड ईयर में ही कर सकते हो, तो आप लोग यू कैन डू दैट, अगर आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर में आने ही वाले हो, बट या मैं एक आपको सजेशन जरूर दूंगा कि प्लीज पढ़ते जरूर रहिएगा, बिकॉज ऐसा मत करना कि बिल्कुल किताब ही ना उठाओ, क्योंकि एज यू नो दैट एमबीबीएस करना इज नॉट अ हलवा थिंग, तो आपको पढ़ना रेगुलर पड़ेगा, तो आप पढ़िए रेगुलर 3-4 घंटे अगर आप पढ़ते हो दैट्स मैक्स फॉर यू, सेकंड ईयर 1.5 साल का होता है, 3-4 घंटे भी सफिशियंट है, उतना पढ़ते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट आराम से होता चलेगा एंड आप इजीली एग्जाम पास कर लोगे। तो आई होप सो गाइस कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को भी जैसा आप लोग मेरी और वीडियोस के साथ रिस्पॉन्स और प्यार देते रहे हो, इसको भी खूब सारा रिस्पॉन्स और प्यार दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सकता है गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइज। इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आपको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, नीट से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलती रहेंगी, कैसे क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रेटजीज भी मैं बताते रहूंगा कि हम लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, हम सब ने कैसे स्ट्रेटजाइज करके हम पढ़ते थे नीट क्रैक करने के लिए। तो काफी सारा हेल्पफुल और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, सो बी रेडी फॉर दैट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।